पहले तो थैंक यू पूरे प्रोडक्शन को, दिनेश जी को, सब लोग ने सरप्राइज़ प्लान किया और मेरा बर्थडे इतनी अच्छी तरीके से शुरू हुआ. थैंक यू सो मच. और मैं बहुत खुश हूँ. मुझे मेरी फैमिली आई मेरे बर्थडे पे, वो मेरी फर्स्ट फैमिली है. शूटिंग के लोग मेरी सेकंड फैमिली, वो लोग भी थे मेरे साथ. तो मैंने, मेरा तो बर्थडे अच्छे से शुरू हो गया. अब मुझे लगता है पूरा साल बहुत अच्छा जाएगा. दिनेश जी मुझे मतलब पूरे दिन में एक भी बार फील भी नहीं होने दिए कि उनको याद भी है कि मेरा कल बर्थडे होगा या केक लाना है या कुछ सरप्राइज़ करना है. पूरे दिन हम साथ में एक मीटिंग के लिए गए थे, उसके बाद यहाँ आए, तो एक भी बार ही डिडंट लेट मी फील कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है. और मैं सैड हो गई थी, मुझे लगा था कि अब कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा बर्थडे, और यहाँ आने के बाद इतना बड़ा सरप्राइज़. थैंक यू. देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये बर्थडे जो इतनी धूमधाम से मनाया गया है, उसका रीज़न ये है कि आम्रपाली जी के आने के बाद भोजपुरी का नया जन्म हो गया है. भोजपुरी को कह सकते हैं कि जो एक, जैसे इनका बर्थडे हम मना रहे हैं, वैसे ही हम लोग साथ साथ भोजपुरी सिनेमा का भी बर्थडे मना रहे हैं. दूसरा जीवन मिला इनके आने के बाद. बहुत ही लकी हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, हम सब के लिए. और मात्र 2 सालों में ही इन्होंने 5-6 ब्लॉकबस्टर दिया भोजपुरी सिनेमा को. और सिर्फ हम नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, ये पूरी ऑडियंस, सभी दर्शक ये बात मानते हैं कि इनके आने के बाद बहुत सारा बदलाव हुआ है. बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनने लगी हैं और इन्होंने जो भी किरदार निभाया है, उस किरदार को इतना पसंद किया गया है कि लोग 50-50 बार इनकी फिल्में देखते हैं. तो एक नई ऊर्जा इन्होंने आके भर दिया है. तो इनके लिए जितना भी हम लोग विश करें, जितना भी मनाएं, वो बहुत कम होगा. और हम लोग सुबह से ही प्लान किए थे कि आज सेट पे ही इनका बर्थडे मनाया जाएगा. तो आज शुरू हुआ है इनका बर्थडे, पर ये पार्टी हमको लगता है कम से कम 1 हफ्ते तक चलेगी.